तो आपने दो शब्द जरूर सुने होंगे, CPI और WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये महंगाई नापने के काम आता है। तो WPI का अर्थ होता है ऐसा क्या भाव है जिस पे इंडस्ट्रीज बाजार से कच्चा माल खरीद रही है। देखिए, अगर वो कच्चा माल महंगा खरीदेंगे तो पका हुआ माल भी बाजार में महंगा बेचेंगे, सस्ता खरीदेंगे तो सस्ता बेचेंगे, तो महंगाई इससे असर पड़ता है। 697 आइटम्स की एक लिस्ट है WPI में, जिसमें तीन प्रकार के आइटम आते हैं। एक आता है फूड आइटम, एक आता है मैन्युफैक्चर्ड आइटम, एक आता है फ्यूल एंड पावर। तो जैसा कि हम जानते हैं, फूड में अपने रॉ मटेरियल जैसी चीज़ हो गया, मैन्युफैक्चर्ड में हो गया जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, और पावर एंड फ्यूल में अपना कोयला बिजली सब आ जाता है। इन आइटम्स में जैसे ही रेट बढ़ते हैं, आप हर एक एक महीने में शायद इसको कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चल जाता है ऑन एन एवरेज देश में महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो बेसिकली इससे हमें पता चल जाता है कि अगर महंगा खरीद रही है कंपनी तो महंगा बेचेगी कंपनी।